हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, इस बारे में चर्चा करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है या नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी थी, तो हम उसकी राय भी देखेंगे और कुछ ऐसे फैक्टर्स को पढ़ेंगे जिससे हम इस चीज़ का एनालिसिस कर सकें कि क्या हमारा संविधान फेडरल है या नहीं है। ठीक है, अब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मेड अ प्रोविजन फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो फेडरल है। ठीक है, पर हमारा संविधान फेडरल है या नहीं है, इस चीज को जानने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, अगर कोई भी चीज वो है कि नहीं है, इस चीज को जानने के लिए पहले हमें जानना चाहिए कि उस चीज के क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेडरेशन क्या चीज होती है। तो जो फेडरेशन है, इसका जो ऑरिजिन है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है फोडस, FOEDUS, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट या फिर कोई ट्रीटी। अब हमें पता है कि जो ट्रीटी होती है वो कुछ पार्टिसिपेट होती है, तो कह सकते हैं कि फेडरेशन इज अ स्टेट दैट इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रीजंस। अलग अलग रीजंस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उससे जो एक मिक्स्ड ज्योग्राफिकल यूनिट बनती है उसको हम फेडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो USA है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक फेडरल कंट्री है जो ऑरिजिनली 13 स्टेट्स के मिलने से बना था, एक बिगर यूनिट बनी थी। मुझे हमें पता है कि यूएसए फेडरेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा फेडरेशन है। आज की डेट में वो 13 स्टेट्स बढ़ के 50 स्टेट्स हो गए। ठीक है, अब इस चीज से मैं चिंता मत करिएगा कि ये 13 स्टेट्स टूट के 50 बने, टूट के 50 नहीं बने, थोड़ा बहुत बाउंड्री में चेंज हुआ है। पर ये जो 13 स्टेट्स थे, ये जो आपका अमेरिका है आज की डेट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ऊपर कैनेडा है, नीचे आपका यूएसए है, तो यूएसए की ईस्टर्न एज पे ये 13 बस्तियां टाइप की बनी हुई थी। ठीक है, शुरू में जब ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय 13 स्टेट्स थे, आज बढ़ के 50 स्टेट्स हो गए। ठीक है, जो यूएसए है वो ओल्डेस्ट फेडरेशन है दुनिया का। ठीक है, अब जब कोई यूनिट रीजन साथ आता है और एक बड़ा यूनियन बना लेता है, ठीक है, तो उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उसको यूनाइटेड स्टेट्स में क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं उन अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस को। स्विट्जरलैंड में क्या बोलते हैं, कैंटन्स बोलते हैं। कैनेडा में क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस बोलते हैं। रशिया में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ईच यूनिट और रीजन दैट कम टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर यूनियन इज कॉल्ड स्टेट्स। छोटे छोटे यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ 50 चीजों से बना, वो क्या स्टेट्स है। स्विट्जरलैंड से बना, उनको क्या बोलते हैं, कैंटन्स। कैनेडा में प्रोविंसेस, रशिया में रिपब्लिक्स। अब हम देखते हैं, हम बात करेंगे कितने तरीके के फेडरेशन होते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के फेडरेशन होते हैं। पहला फेडरेशन तो वो होता है कि जब छोटे छोटे मिलिट्रीली और इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टेट्स एक साथ बन मिल जाते हैं और मिलके बहुत बड़ा सा यूनियन बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, अभी हमने देखा कि 13 छोटे छोटे राज्य जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, मिलिट्रीली बैकवर्ड थे, उन्होंने अपने आप को मिलाया, बहुत बड़ा सा यूनियन बनाया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। ठीक है, दूसरे तरीके का फेडरेशन कौन सा होता है, ठीक है, जिसमें एक बड़े रीजन को छोटे 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 भागों में बांट दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उन अलग अलग छोटे छोटे भागों को एक तरीके की ऑटोनॉमी मिल जाए और वो ऑटोनॉमी के चलते वो लोग वहां में रहने वाले लोगों को एफिशिएंट गवर्नेंस दे सके। ऐसा कनाडा में होता है। ठीक है, कनाडा में क्या किया है कि पूरे कनाडा को छोटे 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 प्रोविंसेस में बांट दिया, 10 प्रोविंसेस। ऑब्वियसली बात है, कनाडा बहुत बड़ी कंट्री है, छोटे तो नहीं है, बट ओरिजिनली वहां पे केवल 4 प्रोविंस थे, उसको तोड़ के 10 बना दिया गया। क्यों 10 बनाया गया, ताकि ऑब्वियसली बात है कि वो 10 प्रोविंसेस अपने आप में ऑटोनॉमस होंगे, तो एक प्रोविंस में वहां की अपनी लोकल गवर्नमेंट होगी और वो लोकल गवर्नमेंट वहां के लोगों को प्रॉपर फंक्शनिंग, एक अच्छा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दे पाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने फेडरल सिस्टम को लाने की वजह क्या थी, उन्होंने फेडरल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया। ठीक है, अपनी देश को सेंट्रलाइज नहीं कर सकते थे, तो सबसे पहला रीजन था फेडरल सिस्टम को लाने का कि हमारा देश एक तो साइज में बहुत बड़ा था, दूसरा इंडिया में बहुत ज्यादा सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब सोशल कस्टम्स, कल्चरल कस्टम्स, लोगों के अलग 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 भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं वो। ठीक है, तो किसी पूरा मतलब एक सिस्टम सबके लिए लागू कर पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल था, इसलिए फेडरल सिस्टम लाना, ताकि
अलग अलग जगहों को अलग अलग तरीके से बांट के वहां के कस्टम्स को वैल्यू दी जा सके और लोगों को एफिशिएंट गवर्नेंस दिया जा सके। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने फेडरल सिस्टम के तरीके के सिस्टम को अडॉप्ट किया, बट फिर भी हमारे संविधान में कहीं भी फेडरेशन नाम का शब्द मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट हमारी फेडरल मैनर पर बनती है, बट संविधान में कहीं फेडरेशन नहीं लिखा है। हमारे आर्टिकल एक में, भारतीय संविधान के आर्टिकल एक में इंडिया को कहाँ कहा गया है, इंडिया को कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर कहीं पे भी इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया, ठीक है। अब हमारे जो संविधान के निर्माणकर्ता थे, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स नाम का फ्रेज मेनली दो वजहों से लिया गया। वो वजहें देखते हैं कौन कौन सी। पहली वजह तो ये थी कि यार जो इंडिया था ना, वो किसी डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के बीच में किसी एग्रीमेंट से नहीं बना था, ठीक है। जैसे यूएसए में कैसे बना, अलग अलग स्टेट्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया और आपस में जुड़ गए, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरा, इंडिया जो कंट्री है उसमें किसी भी स्टेट को यूनियन से विड्रॉ करने की परमिशन नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फेडरेशन है इंडिया का वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्रीज को तो चेंज किया जा सकता है, बट वो स्टेट्स बोले कि नहीं भैया हम तो अलग होके एक अलग कंट्री बन जाएंगे, वो नहीं हो सकता। तो इंडिया जो फेडरेशन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, यानी वो टूट नहीं सकता, इंडिया एक यूनियन है। अब एडवांटेजेस देखते हैं फेडरल नेचर को अडॉप्ट करने के, ठीक है। क्या सबसे बड़ा एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि अभी इंडिया का जो साइज है बहुत ज्यादा बड़ा है, डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, इसलिए एफिशिएंसी ज्यादा मेंटेन करनी है तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नेंस होना चाहिए और उनको एक लेवल तक सुवरेनिटी और ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ऑटोनॉमी यानी अपने तरीके से चीजों को चलाने की ताकत मिलना, और सुवरेनिटी का मतलब हो गया कि जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें बाहर वाला इंटरफियर ना करे। तो अलग अलग स्टेट्स को लिमिटेड लेवल में ये सब चीजें दी गई है, ठीक है। तो इसीलिए फेडरल नेचर को अडॉप्ट करने से इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बढ़ी है, क्योंकि हर तबके के लोगों को, हर तरीके के लोगों को, हर ग्रुप के लोगों को, कल्चरल डायवर्सिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है फेडरल नेचर के चलते, क्योंकि स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट है, यूनियन में अलग गवर्नमेंट है, अलग अलग तरीके से इलेक्ट होते हैं। इलेक्शन में ऑब्वियस बात, लोग वही करते हैं वोट, बट इलेक्शन इनके अलग हैं। और लोकल लेवल पे भी हमारे गवर्नमेंट आ चुकी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, पंचायती बॉडीज हैं, इनके भी इलेक्शन होते हैं। अब आगे आते हैं फेडरल फीचर्स देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला फेडरल फीचर्स तो है ड्यूअल पॉलिटी, ठीक है। अब ड्यूअल पॉलिटी मैंने आपको बताया कि क्या है, कि भैया यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, एंड स्टेट सेट का मतलब आपका क्या नाम से स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट अलग है और यूनियन पे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट जो है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, इन गवर्निंग बॉडीज को स्पेसिफिक सोवरेन पावर्स दी गई हैं ताकि वो अपने अपने फील्ड में हमारे देश के वेलफेयर के लिए काम कर सके, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट किसके बेनिफिट के लिए काम करती है, ये बेनिफिट और डेवलपमेंट करती है स्मॉलर रीजन्स और स्टेट्स का, और यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, वेलफेयर करती है पूरे देश, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं जब पूरे देश की बात आती है तो क्या क्या चीजें जा जाएंगी, नेशनल डिफेंस आएगा, फॉरन पॉलिसी आएगी, करेंसी आएगी, कम्युनिकेशन आएगा, ये ऐसी चीजें जो पैन इंडिया बेसिस पे डील करनी है। तो ऑब्वियस बात है यूनियन गवर्नमेंट इनको देखेगा, लेकिन जब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की तो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में क्या क्या चीजें होती है, रीजनल इंपॉर्टेंस, जैसे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, रीजनल एग्रीकल्चर को मेंटेन करना है, हेल्थ इश्यूज को मेंटेन करना है, तो ये चीजें आती है। अब हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अब ओवर द ईयर्स भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन तो 1947 से बनना शुरू हुआ था, 1946 से, ठीक है, उसके बाद से अब 1950 में जाके 26 जनवरी में पूरी तरीके से लागू हुआ, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इस पे सिग्नेचर पड़े थे, तो तब से तब तो 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल थे, लेकिन धीरे 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 अमेंडमेंट होता गया और आज की डेट में आर्टिकल हो गए 450 और 4 एडिशनल शेड्यूल्स भी हो रहे हैं इसमें। वो शेड्यूल्स और आर्टिकल्स मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बता रखे हैं, आप उसको देखिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन पावर्स और फंक्शंस बताता है गवर्नमेंट की, वो ये भी बताता है कि हर गवर्नमेंट की कितनी लिमिट है, ठीक है।
इससे क्या होता है कि जब ये चीजें लिखी होती है ना कि किसका क्या कहते हैं ना कि किसके प्रभुत्व का कौन कौन सा इलाका है, मतलब किस कौन किस चीज में कितना लॉ बना सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट लिखा हुआ है 7th शेड्यूल में, यूनियनलिस्ट स्टेट्स कॉन्फ्रेंस, जिसके चलते कंफ्यूजन नहीं होता है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर नहीं होता है किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पावर्स देखते हैं, ठीक है। हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियन स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स किस किसके बीच डिवाइडेड है, यूनियनलिस्ट स्टेट्स कॉन्फ्रेंस, यूनियनलिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स, स्टेट्स में 61 सब्जेक्ट्स, कॉन्फ्रेंस में 52 सब्जेक्ट्स। लिखे हुए हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, दोनों उस पर लॉ बना सकती है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी लिस्ट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जांपल कंटेंट लिस्ट है, अब कंटेंट लिस्ट में एक लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं और उसी कंटेंट लिस्ट के उसी सब्जेक्ट पे एक लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाते हैं, और बात ये आ गई कि भाई दोनों क्लैश मार रहे हैं, तो अब बात ये है कि इसमें वरीयता यूनियन गवर्नमेंट को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, और मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक लॉ बना दिया एक ही टाइम पे, ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा। पर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है और उस पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो चुके हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का ही लॉ माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं माना जाएगा। हालांकि आप यह कह सकते हो कि कॉन्करेंट लिस्ट में जनरल टर्म्स में अगर किसी एक ही सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट पे टकराव हो जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ ही चलता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लॉ को यूनियन गवर्नमेंट बाद में बना के वॉयलेट भी कर सकता है, ठीक है। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का हाईएस्ट लॉ, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजों फैक्टर्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा देश फेडरेशन है कि नहीं, ठीक है, पावर्स में किस हद तक डिस्ट्रीब्यूशन है, किस हद तक डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन तो है, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया गया है कि किसी भी स्टेट को एक लिमिट से ज्यादा अथॉरिटी नहीं दी गई है। अब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ है कंट्री का, हर लॉ को मेंशन किया गया है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। अब जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहा गया, लेकिन जो लॉ बनाए तो पार्लियामेंट में है पर उनको स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है तो वो क्या हो जाएंगे, वो ऑर्डिनरी लॉ हो जाएंगे, या फिर उनको स्टैट्यूटरी लॉ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे पर फिर भी वो मतलब एग्जिस्टेंस में है, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं होने चाहिए। अगर जो ऑर्डिनरी लॉ पार्लियामेंट बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के साथ कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर को यूज करके जो कि आर्टिकल 32 में दी हुई है उन ऑर्डिनरी लॉ को नल एंड वॉइड भी बोल सकता है, और हाई कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर जो 226 में दी गई है उसको यूज करके उन्हें नल एंड वॉइड कर सकता है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ या फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के अगेंस्ट में रिट ज्यूरिसडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट। तो जुडिशियल रिव्यू पावर से अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वॉयलेट करता है तो कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के केस में 32 आर्टिकल और 226 आर्टिकल्स होता है और बाकी केस में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। आगे आते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो बैलेंस है पावर का किसके किसके बीच में, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच, ये तभी मेंटेन हो सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो ताकत है वो रिजिड हो, फ्लेक्सिबल ज्यादा ना हो, ठीक है। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट पावर्स लिखी हुई है, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट, बट अगर पार्लियामेंट के पास इतनी पावर आ जाए कि वो अपने दम पे सबको चेंज कर दे, ठीक है, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्लेक्सिबल हुआ तो पार्लियामेंट उसे आराम से चेंज कर सकता है, अगर पार्लियामेंट उसको आराम से चेंज कर दिया तो फिर काहे का स्टेट गवर्नमेंट की पावर। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक हद तक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है जो है हमारा, क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, और कुछ तो ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फेवर में वोट करना पड़ेगा अमेंडमेंट के, हाफ स्टेट्स को, 29 स्टेट्स है ना, कम से कम 15 स्टेट्स को अप्रूव करना पड़ेगा तब जाके वो अमेंडमेंट पास होगा, यानी अमेंडमेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ 50% ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये अमेंडमेंट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाई, आप उस वीडियो को कंसल्ट करिए, उसमें पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अमेंडमेंट इस वीडियो का स्कोप में नहीं है। आगे आते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसको दो वजह से किया गया। पहली बात, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको हेड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। वो अपनी जुडिशियल रिव्यू पावर को एक्सरसाइज करके हमारे संविधान की सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। दूसरी बात, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी पावर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ओरिजिनल जुडिशियल किसके पास है? इस चीज का जुडिशियल के पास। जुडिशियल किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब बाई कैपिटलिज्म की बात करते हैं। बाई कैपिटल मतलब क्या होता है? मतलब दो हाउस होंगे पार्लियामेंट के, हमें पता है अपर हाउस लोअर हाउस। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। अपर हाउस क्या है? राज्यसभा। ठीक है, हमें पता है। अब राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स। लोकसभा किसे रिप्रेजेंट करता है? पीपल ऑफ द कंट्री। ऐसा होगी, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। लोकसभा जब चुनी जाती है उसको हम बोलते हैं जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन में क्या होता है? ठीक है, स्टेट असेंबली में इलेक्शन होता है उसको भी जनरल इलेक्शन ही बोलते हैं स्टेट का। बट ओवरऑल इंडिया में जैसे 2014 में हुआ था, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, यूपी सरकार चली गई थी, एनडीए सरकार आ गई, उसमें क्या था? लोकसभा का इलेक्शन होता, डायरेक्ट लोगों ने वोट डाले थे। लोकसभा मेंबर जो कि 552 होते हैं, 545 अभी को चुनने के लिए, और राज्यसभा मेंबर 250, इनको कौन चुनता है? इनको चुनते हैं अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर्स। किसके हिसाब से? उन पॉलिटिकल, जैसे कि एक यूपी का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मान लो, अब उसमें 400 है, ठीक है, तो अब 403 में से, ठीक है, कुछ बीएसपी के होंगे, कुछ आपके बीजेपी के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के होंगे, तो जितना उनके एमएलए होंगे उतने के हिसाब से राज्यसभा में जितनी सीटें अलॉट की गई हैं उत्तर प्रदेश को, 31 या 30, 30 या 31 ऐसे कुछ है, ठीक है, तो उनमें वो बढ़ जाती है प्रोपोर्शनली, ठीक है, और उसके बाद एलोकेशन होता है, समझे? तो इस हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा में मेंबर्स कौन भेजता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेजती है। किस हिसाब से? कि उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन, कितना रिप्रेजेंटेशन, और लोकसभा को डायरेक्ट चुना जाता है। अब आपको पता है कि राज्यसभा लोकसभा के हिसाब से थोड़ी सी कम पावरफुल है। ये कम पावरफुल होने की वजह क्या है? केवल एक है, मनी बिल। मनी बिल में राज्यसभा का बिल्कुल जोर नहीं चलता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मनी बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, और अगर मनी बिल में राज्यसभा का जोर चलने लगेगा तो अपोजिशन भी चलते तो हर मनी बिल को ब्लॉक कर देंगे तो सरकार ही गिरती रहेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा सबसे जरूरी ये है राज्यसभा में कि राज्यसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास नहीं कर सकती। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? कि लोकसभा चुनने के बाद एक सरकार बनाई जाती है जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और वो सरकार बनने के बाद अपने बहुमत को, यानी कि उस लोकसभा में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है उसको प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने मेजॉरिटी को प्रूव करता है लोकसभा में, ठीक है, यानी उसके 50% से ज्यादा होने चाहिए उसके दल में, ठीक है, और जब वो 50% से ज्यादा हो गए जब उसके दल में तो ऑब्वियस बात सरकार उसकी बन गई। लेकिन एक नो कॉन्फिडेंस पास मोशन पास करके उस सरकार को गिराया जा सकता है, यानी ये कहा जा सकता है कि 50% से कम लोग इनके सपोर्ट में हैं, 50% से ज्यादा लोग इनके अगेंस्ट में, तब वो बीच का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो सरकार बनती है प्रधानमंत्री के राज्य में जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो गिर जाता है, ठीक है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को केवल लोकसभा पास कर सकती है, राज्यसभा पास नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है फेडरल सिस्टम की उसको फॉलो नहीं करता, उसे डेविएट करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट से, इसलिए केसी वियर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा है। पूरी ये कंप्लीटली फेडरल नहीं है, कंप्लीटली फेडरल नहीं है, ये क्वासी फेडरल है, और इसीलिए केसी वेयर जी के हिसाब से इंडिया इज अ यूनिटरी स्टेट्स विद सम फेडरल फीचर्स। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरेशन बनाते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को यूनिटरी स्टेट बनाते हैं, फेडरल नहीं बनाते हैं। हालांकि इतना हम समझ सकते हैं कि इंडिया फेडरेशन है, एक बहुत ही रेगुलेटेड किस्म का फेडरेशन है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप से काम कर सकती हैं, बट वो डिस्क्रिशनरी पावर्स ना उनके पास है ना यूनियन। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कुछ कमेंट्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ डाउट्स हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।